हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और आज दोस्तों ये वीडियो भी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है। और दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर भी बहुत सारे कमेंट आ चुके थे, गाड़ी के इंजन का आरपीएम बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करें। दोस्तों गाड़ी के इंजन का जो आरपीएम होता है, अगर वो बहुत ज्यादा हो जाता है आपकी गाड़ी का, तो उससे क्या नुकसान है वो मैं पहले आपको बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहला जो नुकसान है, उससे हमारी गाड़ी का माइलेज बहुत कम निकलता है, क्योंकि दोस्तों जितने आरपीएम गाड़ी को चाहिए होते हैं नॉर्मली आइडल कंडीशन में जब गाड़ी खड़ी रहती है, तो वो उससे ज्यादा आरपीएम पे खड़ी रहती है और इंजन आवाज भी बहुत ज्यादा करता है, जो कि आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। और दोस्तों इसका तीसरा नुकसान क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा एक्सीलरेटर पैडल होता है, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा प्ले आ जाती है, यानी कि जब हम उसको पैडल को प्रेस करेंगे तो वो बहुत ही नीचे जाके प्रेस होएगा, आपको बहुत ज्यादा प्रेस करना पड़ेगा तभी आपकी गाड़ी रेस पकड़ेगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक्सीलरेटर पैडल में बहुत ज्यादा प्ले आ जाती है, तो इस प्ले को भी एडजस्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पाए सबसे पहले। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छी नहीं लगी वीडियो तो डिसलाइक कर देना। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं आपको अपने एक्सीलेटर पैडल के अंदर जितनी प्ले है वो दिखा देता हूं। यहां पर देख सकते हो, जैसे ही मैं इसको यहां पर प्रेस कर रहा हूं तो कितना ज्यादा इसके अंदर प्ले है, जहां पर ये जाकर अटक जाता है तो समझो वहां से गाड़ी की रेस स्टार्ट होती है, बाकी इसके अंदर सारी प्ले है, जो कि दोस्तों हमें ड्राइव करते समय बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। तो इस प्ले को खत्म करने के लिए क्या करना है हमें, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, जिन लोगों की गाड़ी के इंजन का आरपीएम बिल्कुल ठीक है, यानी कि रेस बिल्कुल सही है, लेकिन जो एक्सीलेटर पैडल होता है उसके अंदर प्ले आ गई है, तो उन लोगों को क्या करना है। यहां पर देख सकते हो दोस्तों, ये सारा मैकेनिज्म होता है एक्सीलेटर पैडल का, तो और ये वायर देख सकते हो जो वायर गई है, ये यहाँ से होते हुए सीधा हमारी एक्सीलेटर पैडल में जाकर कनेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों एक्सीलेटर पैडल की प्ले को खत्म करने के लिए सिंपली यहाँ पर देख सकते हो ये एक क्लैंप लगा होता है, क्लिप बोल सकते हैं इसको, तो इस क्लिप को यहाँ पर ऐसे पकड़कर और पुल करना है, इसको ऊपर की साइड इसको खींचना है तो ये क्लिप यहाँ से निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस क्लिप को निकाल लिया है और अब मैं आपको बता देता हूँ इसको एडजस्ट कैसे करना है इस वायर को। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक्सीलेटर पैडल के अंदर प्ले है तो उसको कैसे कम करना चाहिए। यहाँ पर अगर ये वायर हमारा लूज पड़ा रहेगा तो एक्सीलेटर पैडल के अंदर प्ले होगी, तो इसको आपको क्या करना है, इसको टाइट करना है। तो अगर हम इसको यहाँ पर पीछे खींचना है इस तरीके से, तो देख सकते हो आगे जो वायर आपको दिख रहा होगा वो टाइट हो रहा है, ठीक है, इसको खींचने की वजह से। तो यहाँ पर इसको सिर्फ इतना ही खींचना है, जो आगे वायर आपको दिख रहा होगा तो वो बिल्कुल सीधा हो जाए, उसके अंदर कोई लूजिंग ना रहे, तो इसको इतना खींचकर यहाँ पर इसको सेट कर देना है। और वायर को सेट करने के बाद इसका जो क्लैंप होता है उसको यहाँ पर रखना है कुछ इस तरीके से, और इसको लगाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इसके ऊपर दबाव डालना है। जैसे ही हम इस क्लैंप को पुश करेंगे ऊपर से, तो यहाँ पर ये लॉक हो जाएगा। देख सकते हो दोस्तों, हमारा वायर ये अच्छे से यहाँ पर लॉक हो चुका है, और ऐसा करने से हमारे जो गाड़ी के एक्सीलेटर पैडल के अंदर प्ले होती है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पर पहले कितनी ज्यादा प्ले थी एक्सीलेटर पैडल के अंदर, और अब यहाँ पर बिल्कुल भी प्ले नहीं रही है, हमारा एक्सीलेटर पैडल बिल्कुल सही हो चुका है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं, जिन लोगों की गाड़ी की रेस बहुत ज्यादा रहती है, यानी कि इंजन का आरपीएम बहुत ज्यादा रहता है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, और दोस्तों गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद आप सुन सकते हो मेरे गाड़ी का जो इंजन है उसका आरपीएम कितना तेज है अभी यहाँ पर, तो वो मैंने जानबूझकर किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। और दोस्तों गाड़ी के आरपीएम को सेट करने के लिए, यानी कि गाड़ी की रेस को सेट करने के लिए, आपको गाड़ी को स्टार्ट करके ही रखना पड़ेगा, तभी आप गाड़ी की रेस को सही से सेट कर पाओगे। और ये इसका यहाँ पर होता है थ्रोटल, दोस्तों आपको पता ही होगा इसके बारे में, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे ठीक करना है इसकी रेस को। तो इसके लिए हमें दो चीज चाहिए होगी, यहाँ पर देख सकते हो ये स्क्रू लगा हुआ है, और स्क्रू के अंदर एक 8 नंबर का नट लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। और आरपीएम को सेट करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले यहाँ पर 8 नंबर का टूल, ये देख सकते हो दोस्तों, मैं यहाँ पर इस चाबी का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इस नट को हल्का सा लूज करूंगा, तो इस नट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आपको भी इस नट को लूज कर लेना है। और दोस्तों इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर, और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस स्क्रू को आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है अगर आपको इंजन के आरपीएम को कम करना है, और अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इंजन के आरपीएम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे जैसे ही मैं स्क्रू ड्राइवर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो इंजन का आरपीएम डाउन होता जा रहा है। और दोस्तों मैंने इंजन के साउंड को इसलिए म्यूट नहीं किया था ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और दोस्तों आपको इस स्क्रू को तब तक एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहना है जब तक इंजन का जो आरपीएम है वो बिल्कुल सही कंडीशन में ना आ जाए। और दोस्तों अब मेरी गाड़ी के इंजन का जो आरपीएम होता है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, यहाँ पर आप मेरी गाड़ी के इंजन का साउंड भी सुन सकते हो। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अगला काम इसका, इंजन के आरपीएम को सेट करने के बाद ये वाला जो नट है हमारा 8 नंबर का, इसको आप पहले हाथ से ही टाइट कर लेंगे, और जब ये बिल्कुल यहाँ पर एंड पर पहुंच जाएगा तो इसको इस टूल की मदद से अच्छे से यहाँ पर टाइट कर देंगे, ताकि दोस्तों हमारा ये जो स्क्रू होता है आरपीएम के थ्रोटल
पेडल को सेट करने का, तो ये आगे पीछे ना हो। ये नट इसीलिए होता है इसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों इंजन के अंदर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होती है, इसलिए ये स्क्रू यहाँ से निकल ना जाए, इसलिए इस नट को यहाँ पर दिया गया होता है। और दोस्तों अब हमारी गाड़ी की जो रेस होती है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है, आप मेरे इंजन का साउंड यहाँ पर सुन सकते हैं। दोस्तों आप भी अपनी गाड़ी के एक्सीलरेटर पैडल को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने गाड़ी के इंजन के आरपीएम को भी इस तरीके से सेट कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों।